बेड पर मास्टरबेशन, इसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मास्टरबेशन मतलब हैंड प्रैक्टिस या हस्त मैथुन के बारे में मैंने काफ़ी बार कहा है ऐसा कि वो नॉर्मल है, उसमें होता कुछ नहीं है, वो नॉर्मल प्रक्रिया है, उसमें कितना भी वीर्य गया तभी कुछ होता नहीं है। मगर तभी भी कुछ लोग मेरे पास में आते बोलते हैं, हाँ वो तो हमने पढ़ लिया है, आपने जो मतलब सुन लिया है, वो जो हमने आपने बोला है वीडियो के ऊपर, मगर मैंने बिस्तर के ऊपर घस के हस्त मैथुन किया हुआ है, मतलब बिस्तर के ऊपर घस के वीर्य का नाश किया हुआ है, और इसलिए वीर्य को जख्म हुई है या वीर्य को जख्म हुई ऐसा लगता है। एक्चुअली जख्म नहीं हुई है, ऐसा लगता है कि वो बुरा है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए था मैंने, क्योंकि हाथ से करते तो ठीक है, वो तो हाथ नरम रहता है, मुलायम रहता है, तो उससे कुछ नहीं होगा, मगर मैंने बिस्तर पे किया है इसलिए अभी मुझे प्रॉब्लम है, इसलिए मेरा लिंग जो है वो उसके ऊपर सूजन आई हुई है, या लिंग थोड़ा टेढ़ा हो गया है, या फिर लिंग पतला हो गया। अब उसका एग्जामिनेशन मैंने, आज ही मेरे पास में पेशेंट था तो उसका देखा मैंने, तो उसमें कोई खराबी नहीं थी, मतलब ना सूजन है, ना पतला है, ना दुबला है, ना छोटा है, कुछ भी नहीं है। मतलब हाथ से किया गया या बिस्तर के ऊपर किया गया, घर्षण घर्षण है, और इतना बहुत ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बिस्तर पे भी गद्दी तो है ना, उसके ऊपर आपने किया होगा। हाँ नहीं, आपका कहना बराबर है, आप जो बोल रहे हो बराबर है, मगर मैंने वो बिस्तर पे किया इसकी वजह से ऐसा हो गया, मतलब वो मानने को तैयार नहीं। फर्म बिलीफ लोगों का ऐसा दिमाग में घुसा हुआ, इतना फर्म बिलीफ विश्वास बैठा हुआ है कि हस्तमैथुन एक तो गलत है, हस्तमैथुन करना नहीं चाहिए था, और बिस्तर के ऊपर घिसके तो बिल्कुल ही करना नहीं चाहिए था। मैं यहाँ आपको फिर से बता रहा हूँ कि बिस्तर पर घिस के करो, हाथ से घिस कर करो, या योनि मार्ग में करो सेक्स, कैसा भी सेक्स करो, पेनिस को घर्षण होना जरूरी है, और पेनिस को घर्षण यदि होता है, पेनिस यदि घस जाता है तो उसको एक्साइटमेंट आता है और वीर्य बाहर निकलता है, आपको ऐसा अनुभव आता है कि मैंने सेक्स किया हुआ है। तो बिस्तर पे भी घस के गया तो भी कुछ नुकसान होता नहीं है, और उसके लिए आपने चिंता करने की जरूरत नहीं है। हस्तमैथुन, मास्टरबेशन, हैंड प्रैक्टिस, हिलाना, कुछ भी कैसा भी करे तभी वो नॉर्मल है, उससे कुछ नुकसान होता नहीं है। हाँ, मगर आप ज़्यादा करते हो, जैसा लत लगी हुई है वैसा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करते हैं तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। ज़्यादा मतलब कि एक दिन में 2-4 बार 5 बार करते हैं, आपको इच्छा नहीं है तभी भी कर रहे हैं, वो थॉट आ रहा है बार 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 करने का और करना ही पड़ता है, तो उसमें प्रॉब्लम है। और दूसरा, हस्तमैथुन आप जल्दी जल्दी में करते हैं, तो जल्दी जल्दी में हस्तमैथुन किया तो वो जल्दी में वीर्य निकालने की आदत हो जाती है, और फिर शादी के बाद में प्री मैचर इजैकुलेशन भी हो सकता है, तो ये दोनों प्रॉब्लम है, अदरवाइज हस्तमैथुन से कुछ नुकसान होता नहीं है। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप, एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है, तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की, और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।